हेलो दोस्तों, हटेक हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे पास एक होम थिएटर जो है रिपेयरिंग के लिए आया है, तो इसमें चेक कर लेते हैं पहले क्या प्रॉब्लम है। इसकी जो मेन लीड है मैं सीरीज में लगा के आपको चेक करना है जब भी कुछ करना। तो यहाँ पे हमारा कोई भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ, ना ही कोई इस पर इंडिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ पावर की प्रॉब्लम है, या तो पावर लीड ख़राब है या फिर अंदर से कुछ सप्लाई की प्रॉब्लम है। चलिए इसे बैक से खोल के उसके बाद इसमें चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। दोस्तों बैक कवर को खोल के इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये इसकी पावर सप्लाई है, इसे पावर सप्लाई को चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारी जो वोल्टेज है आ रही है या नहीं। मैं सीरीज़ में इसे कनेक्ट कर देता हूँ। मल्टीमीटर को हम ले लेते हैं अपने डीसी रेंज पे, इसे रखेंगे। तो इस जैक पे हमें वोल्टेज को चेक करना है सबसे पहले। तो यहाँ मैं टेस्ट करता हूँ कोई वोल्टेज बन रही है या नहीं। यहाँ हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई को खोलेंगे, उसके बाद टेस्ट करते हैं कि इसमें दिक्कत क्या है। इसके लिए जो चार पेच हैं इस कवर के, ये खोल के इसको निकाल लेते हैं बाहर। जैक को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारी ये सप्लाई जो है वो खुल चुकी है। सबसे पहले हम इसकी मेन लीड चेक करेंगे। मेन लीड तक जो हमारी पावर है वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, कहीं हमारी मेन लीड तो नहीं खराब। मैं पावर ऑन कर लेता हूँ, मीटर को लगाते हैं हम एसी रेंज पे। मेन लीड पे इसकी चेक करेंगे आ रही है या नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमें 230 वोल्ट जो मिल रही है, इसका मतलब है कि हमारा जो स्विच है और मेन लीड है ये ओके है। पावर सप्लाई को बाहर निकालते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें। अब इसमें चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या दिक्कत है। सबसे पहले हमें ये फ्यूज़ चेक करना होगा कि हमारा फ्यूज़ ओके है या नहीं है, उसके बाद ही बाकी का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। इसको लगाएंगे बजर रेंज पे। बजर और डायड इसका एक ही जगह पे है, तो सबसे पहले इसका जो फ्यूज़ है वो टेस्ट करना होगा हमें। ये फ्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ है एसी के साथ। यहाँ कोई भी हमें बीप नहीं आ रही, इसका मतलब है कि हमारा जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो चुका है। फ्यूज़ लगाने से पहले हम इसमें चेक करेंगे सीरीज़ में इसको डायरेक्ट करके कि हमारा कोई आगे शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज होती है, करंट लगने का भी डर रहेगा। तो मैं पावर को कर देता हूँ ऑन। सीरीज़ में मैंने लगा रखा है, तो फ्यूज़ को मैं अभी डायरेक्ट करूँगा। डायरेक्ट करने के लिए मुझे ये स्क्रू ड्राइवर से इसे जोड़ना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है फुल, इसका मतलब है कि आगे कोई हमारी शॉर्टिंग है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है। इसमें तीन ही जो फॉल्ट हो सकते हैं, या तो इसका जो डायड है वो ख़राब हो सकते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, फिल्टर कैपेसिटर, या फिर हमारे जो मॉस्फेट। सबसे पहले इसके जो डायड है उसको टेस्ट करना होगा। कैपेसिटर देख लेते हैं, चार्ज तो नहीं हुआ। हमें डायड रेंज पे रखना होगा मीटर को। तो दोस्तों डायड को हम चेक कर लेते हैं कि हमारे डायड ओके है या नहीं। दोनों तरफ से बीप आ रही है, दूसरे डायड की भी दोनों तरफ से बीप है, तीसरे की भी और चौथे की भी। तो ये डायड हमारे जो ख़राब लग रहे हैं, तो सबसे पहले डायड को बाहर निकाल के चेक करेंगे।
दोस्तों इसमें जो डायड यूज़ किए गए हैं वो हैं FR207 जो कि फास्ट रिकवरी डायड हैं 2 एम्पियर 700 वोल्ट के। मेरे पास फ़िलहाल ये डायड अवेलेबल नहीं है तो मैं इसकी जगह यूज़ करने वाला हूँ BA159। ये 1 एम्पियर का डायड है, ये भी फास्ट रिकवरी डायड है तो मैं इसे डबल करके लगाने वाला हूँ जिससे हमारा ये 2 एम्पियर में बन जाएगा। 4 की जगह मैं 8 डायड यूज़ करूँगा। तो चलिए लगा लेते हैं इसको, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो ओके हुई है या नहीं। तो दोस्तों दो दो डायड हमने फिट कर लिए हैं, अब इसे सोल्डर कर देते हैं, उसके बाद फिर इसे टेस्ट करके चेक करेंगे। दोस्तों डायड हमारे लग चुके हैं, अब फ्यूज़ को मैं फ़िलहाल डायरेक्ट करता हूँ और उसके बाद सीरीज़ में लगा के इसे टेस्ट कर लेते हैं कि बाद में फिर हम जितनी रेटिंग का इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है उसे लगा देंगे। ये अभी से पावर देके हम इसमें टेस्ट कर लेते हैं कि ओके हुई है या नहीं। पावर मैंने ऑन कर दिया, हमारा बल्ब इसमें ग्लो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि शॉर्टिंग हमारी जा चुकी है। सबसे पहले कैपेसिटर पे चेक करेंगे, कैपेसिटर पे हमारे 327 वोल्ट आ रहे हैं, कैपेसिटर हमारा चार्ज हो चुका है। अब आउटपुट में इसकी सप्लाई चेक करते हैं, या हमारी 7 वोल्ट बन रही है या हमारी 15 वोल्ट के करीब है। ये भी हमारी 15 वोल्ट के करीब है तो हमारी जो सप्लाई है वो ओके हो चुकी है। जैक लगा देते हैं इसमें, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा होम थिएटर ऑन हो चुका है।